अखिल भारतीय सह सचिव दिनीत देंटा ने कहा कि SFI अखिल भारतीय जत्था प्रदेश कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को जागरूक करते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और हिमाचल से होते हुए देश के अन्य राज्यों पंजाब हरियाणा की ओर रवाना होगा। 12 अगस्त तक ये जत्था इस तरह सड़कों पर रहेगा जिसमें दिल्ली राज्य सचिव प्रतीश और हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष रमन ने भी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखने के लिए बात रखी। SFI हरियाणा राज्य सचिव मंजीत तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से शरण्या ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर सरकार इस छात्र विरोधी NEP को वापस नहीं लेती है तो SFI हरियाणा राज्य सचिव मंजीत तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से शरण्या ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर सरकार इस छात्र विरोधी NEP को वापस नहीं लेती है और छात्र मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे देश के छात्रों को लामबंद करते हुए SFI उग्र आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय जत्था शिमला पहुंचा है। SFI ने शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ के नारे के साथ 5 अलग अलग जत्थे पूरे देश के अंदर जो 1 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर को ख़त्म हो गए, इस नारे के साथ ये जत्थे पूरे देश के अंदर 5 अलग अलग जा रहे हैं। इन जत्थों के माध्यम से जो जबरन और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति भाजपा सरकार और RSS ने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर थोपी है, उसका विरोध हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। शिक्षा का जो केंद्रीयकरण, भगवाकरण और शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है, आम छात्रों को जनमानस की पहुँच से जो शिक्षा लगातार दूर होती जा रही है, उन मांगों को लेकर ये जत्था आज हम इन जत्थे के माध्यम से छात्रों से समर्थन जुटा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर एक निर्णायक लड़ाई जो है इस NEP के खिलाफ SFI पूरे देश के अंदर लड़ेगी। हिमाचल में कहां-कहां ये जत्था जाने वाला है, अभी कितनी जगह? हिमाचल में पिछले कल सोलन से ये होकर जत्था शिमला पहुंचा है, इसके बाद कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बैजनाथ से होने के बाद ये जत्था जो है आपका पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में जो जाके दिल्ली के बाद राजस्थान में जाके 12 अगस्त को ये जत्था खत्म होगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने जो है एक खुला बाजार जो है शिक्षा को बना दिया है, इसके माध्यम से सरकार जो है खुला आमंत्रण दे रही है निजी संस्थानों को कि वो लोग जो है जिस तरह की लूट वो चाहते हैं उस तरह की लूट वो कर सकते हैं। शिक्षा ने जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार जो गांव-गांव के अंदर स्कूल खोले गए उनको बंद करने की बात कर रही है, उस शिक्षा को जो है लगातार प्राइवेट की बात कर रही है और आने वाले समय के अंदर शिक्षा जो एक गरीब किसान परिवार के लिए जो है एक दूर की कौड़ी बन जाएगी, इसीलिए हम इसका विरोध जो है लगातार कर रहे हैं। जत्थे के माध्यम से हम जो है समर्थन जुटाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्रों से और एक निर्णायक लड़ाई जो है इसके बाद इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो है पूरे देश के अंदर जो है छात्रों को, शिक्षकों को और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जितने भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को लामबंद कर लड़ाई लड़ी जाएगी।